#Super6 ऑफ कोर्स विद मी मींस सार्थक शर्मा के साथ। तो चलिए सबसे पहले आज के मेन्यू कार्ड पर नजर डालते हैं, आज हम क्या क्या आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिविया का क्वेश्चन पूछेंगे, IPL के ट्रिविया का क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे ड्रीम इलेवन IPL 2020 के मैच नंबर 25 पर, जो भी खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बीच में। फिर उसके बाद हम इस मैच के फन कॉन्टेस्ट पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पिक करेंगे इस मैच का मैच प्रेडिक्टर कौन हो सकता है, फिर ये मैच कौन सी टीम जीत सकती है ये पिक करेंगे हम, फिर फाइनली हम आपको बताएंगे जो कि हमने ट्रिविया पूछा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका आंसर हम वीडियो के एंड में देंगे। ये सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर ये सभी चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ट्रिविया पर बात करें तो ट्रिविया है आज का, विच प्लेयर हैज स्लैम्ड मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस अगेंस्ट RCB इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए RCB के टीम के खिलाफ, तो IPL की पूरी हिस्ट्री में। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन से प्लेयर ने लगाए, आपके हिसाब से नहीं मतलब कौन से प्लेयर ने ये सबसे ज़्यादा सिक्स लगाए RCB के खिलाफ। प्लीज़ गूगल मत कीजिए, बाकी आप आंसर दीजिए वीडियो के एंड तक, आपके पास इतना टाइम है। तो अब आज के मुकाबले पर बात करते हैं, आज का मुकाबला खेला जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बीच में। आपको वहाँ पे एक तरफ देखने मिलेंगे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल, शिवम दुबे, एरन फिंच, तो सामने आपको देखने मिलेंगे MS धोनी, लेफ्ट ड्यूप्लेसिस, वेन ब्राउन, रविंद्र जाडेजा, लेफ्ट शेन वॉटसन, तो बड़े बड़े मैच विनर्स आपको इसमें से दिखने वाले हैं। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने पिछले 5 मैचेस में से एक मैच सिर्फ जीत के आ रही है। वहीं अगर हम RCB की बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें, तो आपको वहाँ पर नजर आएंगे RCB की टीम अपने पिछले 5 मैचेस में से सिर्फ 3 मैच जीत के आ रही है, मतलब 3 मैच जीत के आ रही है, बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट्स टेबल और पिछले 5 मैचेस की नज़र डालो तो आपको नजर आएगा कि चेन्नई का पलड़ा थोड़ा नीचे है, यानी RCB ने यहाँ पे चेन्नई पर दबदबा बनाया और RCB यहाँ पे आगे है चेन्नई सुपर किंग्स से इस प्रीमियर IPL 2020। और पॉइंट टेबल पर आपको नजर डाले तो आपको वहाँ पे दिखेगा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 6 पर है और वहीं RCB की टीम आपको नजर आएगी नंबर 5 पर। हालांकि चेन्नई की टीम का नेट रन रेट थोड़ा अच्छा है RCB से, मतलब -1 है RCB का, -1.300 ऐसा कुछ, और चेन्नई सुपर किंग्स का -0.300 उसका समथिंग कुछ है। तो यहाँ पे नेट रन रेट चेन्नई सुपर किंग्स का बढ़िया है, ये इनको एंड में फायदा होगा। अब इस मुकाबले से दोनों टीमों से आप क्या उम्मीदें कर सकते हो, तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनको एक बढ़िया क्रिकेट खेलना होगा। उनके पास ड्वेन ब्रावो नहीं थे पहले, फिर उनके पास संपत्ति राइडू नहीं थे पहले मैच के बाद से, तो उनको मतलब अब तो उनके पास जो दोनों प्लेयर्स भी आ गए, तो उनको एक बढ़िया फॉर्म दिखाना होगा सभी को। दीपक चहर जो कि उनके पिछले 2 साल से गोत्री बॉलर थे, पावर प्ले में जो हर मैच में एक विकेट ले जाते थे, उनको बढ़िया करना होगा। पिछले मैच उनको 4 ओवर में 50 रन के आसपास रन पड़े, मतलब ऑल ओवर अगर देखें आप पूरा राउंड करके राउंड फिगर बनाए थे, तो आपको नजर आएगा कि इस टीम के प्लेयर्स को बढ़िया खेलना होगा, जो बड़े बड़े नाम हैं उनको बढ़िया करना होगा। तो ये इस चेन्नई सुपर किंग्स से आप उम्मीद कर सकते हैं। RCB की बात करें तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि वो क्रिस मॉरिस को खिला सकते हैं मोइन अली की जगह, हालांकि मोइन अली भी कुछ खराब खेले नहीं है, 2 ही मैचेस में मौका मिला है और वो लेफ्टी है, मतलब कुछ ज़्यादा उन्होंने भी खराब किया नहीं, पर क्रिस मॉरिस को आप खिला सकते हैं, जो हिटिंग क्रिस मॉरिस करते हैं वो शायद मोइन अली मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से क्रिस मॉरिस को उनको खिलाना चाहिए, बाकी तो कोई चेंजेस की उनको ज़रूरत है नहीं। अब फन कॉन्टेस्ट पर बात करें तो कौन से फन कॉन्टेस्ट आप इसमें से देख सकते हो, तो सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे विराट कोहली, ए बी डिविलियर्स के सामने विन ब्रावो, विराट कोहली ए बी डिविलियर्स T20 के नंबर 1 बैट्समैन से दोनों आपको 10 ओवर के आसपास बैटिंग करते नजर आएंगे, फिर विन ब्रावो वहीं पर अपना बॉलिंग का स्पेल शुरू करेंगे, तो ये बढ़िया एक बढ़िया फन कॉन्टेस्ट आपको देखने मिल सकता है। फिर उसके बाद आपको फैफ ड्यूप्लेसिस के सामने युजवेंद्र चहल, जो युजवेंद्र चहल ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट में फैफ ड्यूप्लेसिस पर दबदबा बना के रखा है, यहाँ पे देखते क्या होता है, ये बढ़िया फन कॉन्टेस्ट आपको देखने मिलने वाला है इसमें से। तो ये कुछ फन कॉन्टेस्ट आप इसमें से देख सकते हैं। ना हु एम आई गोइंग टू पिक एज अ मैच प्रोडक्टर फॉर दिस मैच, तो मेरे ख्याल से इस मैच का मेरे मैच प्रोडक्टर हो सकते हैं विन ब्रावो, एक बड़ी और चॉइस है, पर जो मेरे ख्याल से पिछले मैच में जो विन ब्रावो ने काम किया था, 3 विकेट ले गए थे 4 ओवर में, मतलब समथिंग ऐसा कुछ था, और डेथ ओवर्स बड़े बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से विन ब्रावो इस मैच में बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं, सामने बैट्समैन से बड़े बड़े विराट कोहली, एबीडी प्लेयर्स, एरन फिंच, देवदत्त पाटीकर, तो इनके सामने बॉलिंग करने में विन ब्रावो को मजा आएगा और वो इस मैच के मेरे लिए मैच प्रोडक्टर हो सकता है। आप बताइए कि आपके हिसाब से मैच प्रोडक्टर कौन है इस मैच के लिए। नाउ इट्स टाइम टू प्रेडिक्ट हु इज गोइंग टू विन दिस मैच, तो मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीत जाएगी। अगर ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने नहीं जीता
तो उनके लिए आगे का आईपीएल का उनका सफर थोड़ा कठिन हो जाएगा, उनको डिफिकल्टी मतलब ज़्यादा हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगा उनके आगे का रोड, क्योंकि उनको अभी हार मतलब इस मैच से पहले उनको 8 में से 6 मैचेस जीतना कंपलसरी है, तो अगर ये मैच भी हार जाएंगे तो 7 में से 6 जीतना कंपलसरी हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एमएस धोनी इस मैच को जिता देंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, देखते हैं आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन ये मैच जीत सकता है, आपका मैच प्रेडिक्टर कौन है इस मैच के लिए। अब ट्रिविया के आंसर का टाइम है, तो सबसे पहले ट्रिविया पर नजर डालते हैं। तो ट्रिविया ये था कि कौन से प्लेयर ने आरसीबी के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाए आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको नजर आएगा एमएस धोनी जो कि सीएसके के कैप्टन है, उन्होंने आरसीबी के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाए जो कि 45-60 उन्होंने 45 मैक्सिमम सुमार है, ये सबसे ज़्यादा है इंडिविजुअल प्लेयर। उनके बाद आपको डेविड वार्नर दिखेंगे, आंद्रे रसल दिखेंगे, ब्रेंडन मैकलम दिखेंगे और रोहित शर्मा दिखेंगे, ये टॉप 5 प्लेयर्स हैं जिन्होंने आरसीबी के सामने बढ़िया मतलब सबसे ज़्यादा छक्के लगे हुए सर, टॉप पर एमएस धोनी है। आप बताइए कि आपकी ये प्रेडिक्शन राइट हुई है कि रॉन्ग, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए हमको, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।